काया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ये कुछ और दिखता है कौन दिखता है? सभी श्रद्धालु श्रोतागण को हमारे सादर प्रणाम। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महती कृपा और उनकी प्रसन्नता के लिए श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत 22वां परिच्छेद में श्री सनातन शिक्षा ना ये तो मध्य लीला के अंतर्गत 8वां परिच्छेद में श्री रामानंद राय के साथ महाप्रभु का जो वार्तालाप प्रसंग, इसके चर्चा में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि रामानंद राय कल कांताप्रम बोल दिए थे ना, कांताप्रम संध्यासार हो गया था। हाँ, साध्य सार कांता प्रेम को ही साध्य सार बोल चुके थे और इसके बारे में कल हम आलोचना शुरुआत किए थे कि कांता प्रेम किस प्रकार सर्वोत्कृष्ट है। और ये भी बता था कि बाकी रस में, बाकी प्रेम में, भक्ति में कुछ संबंध जात बाधक रहता है सेवा वासना में, लेकिन केवल एक एकांता भाव है जिसमें संबंध है लेकिन वासना का अनुगत है। सेवा वासना संबंधानुगत नहीं है, लेकिन अन्यान्य संबंध में जैसे दास्य सख्य वात्सल्य आदि में सेवा वासना चाहकर भी संबंध मर्यादा लंघन नहीं कर सकता। कोई दास भगवान को अपने समान सोचकर की सेवा नहीं कर सकता, संभव नहीं हो सकता। कोई सखा भगवान को अपने छोट हीन नहीं समझ के ताड़न भर्षण नहीं कर सकता। लेकिन कोई माता पिता कितने भी कुछ करे, लेकिन इज अंग दान दे करके जैसे एक प्रिया करती कांता, ऐसा नहीं कर सकते। तो कांता प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, वही साध्य सार कहें रामानंद राय। और उसमें भागवत से श्लोक भी पुष्ट किए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ही शिक्षा चर्चा जारी रखते हैं। तो इसमें वो कहे थे एक श्लोक जिसमें श्री गोपिका गण रासस्थली में श्री गोपी गण जिस प्रकार की कृपा प्रसाद प्राप्त के कृष्ण से, ऐसे कृपा तो ना तो कोई साक्षात अंग संगिनी लक्ष्मी
ना देवांगनाएं जिनका पद्मगंधा पद्मकांति युक्त, ना अप्सराएं, और दूसरे की बात ही क्या कहे। इसमें ब्रज सुंदरियों की सर्वश्रेष्ठता को बताया गया। उसके बाद में जो श्लोक कहते, तासा माविर भू छोरी समय मान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सखी साक्षात मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ये श्लोक कहा गया है कि जब भगवान ने प्रकट हुए गोपी गीत के गायन के बाद, गोपियों ने रो रो करके भगवान की अनुसरण करके जमुना पुलिन में समवेत गायन सम्मिल करके भगवान के लिए गान किए, तो इसमें एक भाव देते हैं कि गोपियों ने मिल करके कृष्ण के लिए जो गान किए, ये कृष्ण विरह में उनको दुख हो रहा था इसलिए रो नहीं रहते। ये कहते हैं आचार्यगण को, नहीं, कृष्ण तुरंत प्रकट हुए इसे सख्यात तासम आवीर भू छोरी स्मवन, तुरंत सौरी भगवान कृष्ण उनके बीच में और स्मयमान मुखम मुझे प्रफुल्ल मुख कमल के साथ पीताम्बर धर और बिल्कुल मनमाला पीताम्बर धारण करके साक्षात मनमथ मनमथ साक्षात कामदेव के समान उनके बीच में प्रकट हुए। और बोलते हैं भगवान कैसे प्रकट हुए, बोलते हैं कि भगवान ने पहले तो अंतर्धान होने के बाद गोपियों ने उनके विरह से उनको ढूंढे और दुख प्रकट कर रहे थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर हताश होकर वापस आकर जमुना पुलिन में अभी जो रो रहे हैं, अभी उनके दुख के कारण नहीं रो रहे हैं, स्वयं दुखी हैं कृष्ण विरह में, कृष्ण के बिना दुखी, इसके लिए नहीं रो रहे थे। वो रो रहे थे कि हम अभी जंगल में ढूंढ कर आए, कितने कंकण पत्थर है, जंगली रास्ता है, और हमारे प्राणनाथ अब बिना चप्पल पहने ऐसे तृण कंकण रास्ता पर वो घूमते होंगे, उनको कितने कष्ट होता होगा, और हमसे मिल भी नहीं पाते होंगे, अपेक्षा करते हैं कितने और कष्ट, ऐसे कृष्ण के कष्ट के लिए रो रहे थे कि उनको कितना कष्ट होता होगा, अब यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार जब कृष्ण के कष्ट के लिए कृष्ण को साक्षात करके हम उनके दुख के कारण हम अगर विलाप करेंगे रोएंगे तो कृष्ण जल्दी प्रकट हो जाते हैं, ये कहते हैं। और ये श्लोक में जो कांता प्रेम सर्वसाध्य सार है उसका श्रेष्ठत्व ये प्रतिपाद किया कि सभी जितने भी स्त्रियां हैं और उन पे अप्सरागण है, स्वर्गीय देवांगना है, लक्ष्मीगण है, सबके ऊपर कांतागण का श्रेष्ठत्व इसमें बताया। और बताते हैं कि इसके द्वारा कृष्ण आत्मगोपन करके रख नहीं पाए अपने आप को, यद्यपि वो छिपना चाहते थे, छिपे भी थे, लेकिन उनके विरह आरती को देख करके श्री कृष्ण आत्मगोपन न कर सके, तुरंत अविलंबे उनके बीच में आकर के प्रकट हुए। श्री कृष्ण का साक्षात मनमथ मनमथ कृष्ण माधुर्य सर्व विकास ये केवल कांता भाव व्यतीत और कोई भाव में इसका अनुभव संभव नहीं हो सकता, इसे बता दें। ये केवल कांता भगवान जो साक्षात मनमथ पूर्ण प्रफुल्ल सुख राशि में युक्त होकर प्रकट हुए, इतने जो परम आनंदित कृष्ण, ये अन्य कोई भाव से नहीं हो सकता, ये केवल कांता भाव के परिणाम है। इसलिए इस श्लोक द्वारा कांता भाव का श्रेष्ठ प्रतिपादकत्व ये बताया गया। तो आगे कहते हैं इस मनमथ मनमथ शब्द, मनमथ मतलब कामदेव को मनमथ कहते हैं स्मरण, लेकिन मनमथ मतलब मन को मथने वाला। इस भौतिक जगत में जो कामदेव है, जो प्राकृत कामदेव है, प्रकृति वो
हम सबका मन को ही मंथन करता है, मन के ऊपर प्रभाव डालता है, तो वही मन को मत करके, सभी को पराजित करके, सबको फेल करके, सबको हताश करके, जो कामदेव काम भाव से सभी के मन को मंथन करके इंद्रिय आदि शरीर को कंट्रोल करता है, वही मन को मथने वाला मनमत इस प्राकृत कामदेव के मन को भी जो मथन के लिए, मनमत मनमत है, इसलिए जो मनमत बना मन मथने वाला कामदेव उसको मन को भी मत दिए भगवान ने, साक्षात मदन मोहन इसलिए है। तो वो स्वयं भी जो कामदेव के मन को मंथन करने वाले सी भगवान भी अविलंब गोपियों के बीच में प्रकट हुए खुश होकर, क्योंकि उनका मदन मोहनत्व भी काम नहीं कर पाया, गोपी भाव के परम वशीकृत हो गए, उनके सामने उनको हार मानना पड़ा, काम विजयी हो गए लेकिन गोपियों के सामने हार के आने पड़ा। तो इसलिए एकांता प्रेम और गोपीगण गोपी प्रेमी सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद करके आगे कहते हैं, कृष्ण प्राप्तिर उपाय अछि बहुविध हय, कृष्ण प्राप्तिर तारतम्य बहुत आचय। कृष्ण प्राप्ति के नाना प्रकार के साधन है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन है। मतलब कृष्ण को भिन्न भिन्न रूप में भी पाया जा सकता है, केवल एक रूप में नहीं अनेक रूप में पाया जा सकता है। जैसे ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति करने से श्री कृष्ण के अंग कांति ब्रह्म के प्राप्ति हो जाएगा, ब्रह्मलीन होंगे, इस प्रकार से कृष्ण को पाया ब्रह्म रूप में पा सकते हैं। और ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति करेंगे तो कृष्ण के विलास रूप जो श्री नारायण को, वैकुंठपति नारायण को पा सकते हैं। और शुद्ध भक्ति के साथ प्रयास करेंगे, साधन करेंगे तो स्वयं भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। इस प्रकार प्राप्ति का कई भेद है, कृष्ण प्राप्ति का अनेक भेद है। और उसके बाद में जो भाव है, दास्य साख्य वत्सल्य माधुरी आदि, इन विभिन्न भाव में एक कृष्ण को ही पासक बना होता है, कृष्ण तो की है, एक ही कृष्ण को ही पाते तो हैं, लेकिन वही पाने का विशेषता है, किस प्रकार पाते हैं भाव के अनुसार उसकी विशेषता है। जैसे कृष्ण कहते हैं, जे यथामांग प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजामि हम, जो जिस जिस भाव से मुझे भजन करता मैं भी उनको इसी प्रकार के प्रतिदान देता हूँ। तो इस प्रकार पूर्व में जैसे बताया गया साध्य साधन तत्व विचार में विचार ऐसे समझा जाता है कि कोई पाता है उनको प्रभु रूप में, जैसे दास्यगण है, कोई पाता है उनको सखा रूप में, सखागण, कोई पाता है उनको पुत्र के रूप में जैसे बाछले रस में नंद, और कोई पाते हैं उनको कांत के रूप में। जारा जयी भाव जिनका जैसा ही भाव है, कृष्ण प्राप्ति रे उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति रे तारतम्य में बहुत अच्छा है, किंतु जारा जयी भाव सही सर्वतम तटस्थ हया विचारिले अच्छे तारतम्य। तो बोलते हैं कि यद्यपि अनेक उपाय में एक कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति हो सकता है, किंतु जारा जयी भाव सही सर्वोत्तम, जिनका भाव जैसा है ये उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए सर्वोत्तम है, वही उसमें ही रम जाता है, और उसके अलावा और कुछ आशा भी नहीं करता, उनके लिए सर्वोत्कृष्ट वही होता है। उसी स्थिति में वो न कांक्षति न सोचती, बिल्कुल ब्रह्मोत्त स्थिति जैसे प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति स्थिति मात्र हो जाता है, उसी भाव में वो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी यद्यपि वो उसी को सर्वोत्कृष्ट लगता है, लेकिन अगर तटस्था होकर के विचार करते हैं तो फिर तारतम्य है, यही बात बताते हैं। जारा जय भाव मतलब विभिन्न साधन प्रणाली में कृष्ण प्राप्ति का जो विभिन्नता
है, इसमें इस भाव के अनुसार जो साधन करते हैं वही भाव कोई उन उन साधक श्रेष्ठ करके माने करते हैं। जैसे जो दास्य भाव के अनुसार भगवान के साधन करते हैं, सेवा करते हैं, वो दास्य भाव को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, उसी में परम संतुष्ट होते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, जैसे हनुमान आदि है। उनको कितने बुला करके राव थोड़ा फ्रेंडशिप में अर्जुन के साथ आए कि ये बाछले रस में क्या दूसरे रस में, बोले ना ना, ना। क्योंकि पूर्ण परिपूर्ण रूप में संतुष्टि है, बिल्कुल प्रसन्न है। और सख्य रस में जो है सखागण, उनको भी और कुछ ऐसा नहीं लगेगा, वो तो इसी में परिपूर्ण प्रसन्नता है उनका, और कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और जो वात्सल्य है वो इसी में उनका असमर्थ वात्सल्य भाव, उसको छोड़कर कुछ सोच भी नहीं सकते। और जो कांतागण है उसको इस तरह छोड़कर वो कोई रस उनको जुचेगा नहीं। तो इसलिए जिनका जो भाव है उसी भाव में ही कृष्ण के प्राप्त उनको सर्वश्रेष्ठ लगता है। लेकिन यद्यपि सबको अपना प्रभाव अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो है भी ठीक सही है भी सत्य, लेकिन अगर निरपेक्ष रूप से तटस्थ होकर के सबसे किसी के आविष्ट होकर के सबसे अलग होकर विचार करके देखें तो उसमें तारतम्य है, उसमें तारतम्य है। क्या तारतम्य है? कि श्लोक कि पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है। तो ये तारतम्य बताते हैं कि विभिन्न लोक के विभिन्न जीव का विभिन्न अलग अलग प्रकार की रुचि होता है। तो इस सभी में कांता प्रेम श्रेष्ठ होने पर भी सभी कांता प्रेम तो कांता प्रेम के द्वारा तो उपासना कर ही नहीं सकते। तो दास्य सख्य आदि आदि जैसे रस में जिनका जिनका रुचि है वो उसी रस के द्वारा उपासना करते हैं। तो यही बात बताते हैं इसमें इस श्लोक में कि अभी जो रस है इसमें कहा गया रस क्या है। तो जो शांत आदि कृष्ण रति है वो विभाव आदि सहित युक्त हो करके जो परम आस्वाद का लाभ करता है उसमें रस में परिणत होता है। इस रूप में विभाव अनुभाव के मिलन से शांत रति शांत रस में, दास्य रति दास्य रस में, सख्य रति सख्य रस में, वात्सल्य वात्सल्य रस में, माधुरी माधुर रस में परिणत होता है। यहाँ आपको थोड़ा पृष्ठ समझा होगा ये क्या सब है, रस अनुभाव विभाव रति। आप अगर भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे इसके बारे में वर्णन है। रस उसको कहते हैं रस्यते इति रस। आप लोग कहेंगे जो लिक्विड है जिनको चुबाकर नहीं खा सकते दांत लगा करके, चुष्यति रस होता है इसे करके पीते हैं, पीने के लायक रस होता है लिक्विड नहीं, आस्वाद्य के कारण रस है। यहां तक कि कोई लिक्विड ना हो, कोई सुंदर केक हो, लेकिन वो हमको बड़े सुंदर टेस्ट लगता है तो बोलेंगे ये रस है उसके अंदर। रस आस्वादन जो करता है, जो टेस्ट देता है, वो रस के ग्रहण टेस्ट होता है। रस होता है आस्वादनकारी जो गुण है वो है रस। लेकिन केवल जो आस्वादक कराते आस्वादनकारी रस ही को रस कहा जाता है बोलते, इतना नहीं है। भक्ति रसिका आचार्यों ने भक्ति में रस को ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर रस है, जैसे दही है, दही का एक अपना एक स्वाद है ना, और तो एक लिक्विड है, एक अपना एक स्वाद है। तो यही कह नहीं सकते रस है करके ना। तो रस कब कहा जाएगा?
दही के टेस्ट को, तो दही के स्वाद में दही को उसके साथ थोड़ा मीठा मिला जाए, मीठा मिलाए और उसमें थोड़ा इलायची डाले और थोड़े उसमें सेंटेड होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या क्या सब एसेंस और चेरी वगैरह होता है ना, लस्सी बनाते जो एक बार हाई क्लास क्वालिटी की लस्सी जो होता है, क्या क्या डालते हैं दही में सब, तब उसका कुछ चमत्कार टेस्ट होता है ना। तो आस्वाद आस्वादक आस्वाद का जो चमत्कार हो जाता है बिल्कुल आपने ओहो क्या बात है, ऐसे अति चमत्कार आस्वादन हो जाता है, जब चमत्कारिता को प्राप्त होता है तब जाकर उसे रस कहा जाएगा। मतलब अन्यान्य कुछ विशेष अनुकूल जात दही दही के साथ जो अनुकूल उनके साथ मिक्स होने से अच्छा लगेगा, ऐसे अनुकूल पदार्थ कुछ उनके साथ मिल करके एक परम आस्वाद में परम चमत्कार सृष्टि करता है, जब ऐसे होता है टेस्ट तब उसको रस कहा जाता है, नहीं तो उसको रस नहीं कहा जाएगा। इसे दही और लस्सी बताया जो कई वैरायटी मिला करके सुपर टेस्ट लस्सी, अभी गर्मी में इसको लस्सी मिलता है कई प्रकार के केसर और क्या क्या थोड़ा घी और क्या क्या एसेंस चेरी और क्या क्या सब डालते हैं और कोई ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा रैंड करके डालते हैं थोड़ा और थोड़ा उसके ऊपर मक्खन मलाई थोड़ा डालते हैं, है ना। नहीं अरे वैरायटी से लस्सी जो करने वाला खाने वाला जानते हैं क्या क्या, अरे ये तो है लेकिन उसमें वो और डालते तो और मजा आ जाता। तो इसे सच से जितने जो अनुकूल पदार्थ को मिला करके मिश्रित करने से उनका और परम आस्वाद्य होता है तो उसको रस कहा जाता है। तो इसलिए ये जो रस है शांत रस स्थाई रस है, कृष्ण की निष्ठा है कृष्ण की प्रतिभा, लेकिन उनमें अलग अलग जो अनुकूल पदार्थ जैसे दास्य का रस, दास्य के जो अनुकूल पदार्थ दास्य अनुगुण जैसे कृष्ण के प्रति सेवा के भाव, ये सेवा भाव इसको कहते हैं अनुभाव और विभाव। अनुभाव इसको कहते हैं जिसके द्वारा भाव के परिचय होता है, भाव के परिचय जिसके द्वारा होता है उसको कहते हैं अनुभाव, और जिस वस्तु के द्वारा भाव का आस्वादन होता है उसको कहते हैं विभाव, उसको विभाव। तो इस प्रकार जैसे भगवान के मस्तक पर मयूरपूछ और वैजयंती माला, मयूरपूछ देखने से कृष्ण स्मृति आ जाता है, अरे यार, तो ये विभाव, ये विभाव, तो उसको देख करके तुरंत चमत्कार, अरे कृष्ण ही है तो ये, बाकी सब करते मयूरपूछ तो और किसी का पास होना नहीं चाहिए, कृष्ण है। तो इसी प्रकार विशिष्ट कोई कृष्ण में कोई विशेष गुण, कोई उनका क्रिया मुद्रा, कोई इसी प्रकार कोई चीज उनके वस्त्र आदि में जिनके द्वारा विशेष भाव को आस्वादन किया जाता है उसको बोलते विभाव। तो इस प्रकार भाव के परिचय उनको देखने से हमारे अंदर क्या क्या घटित होता है, ये अनुभव और विभाव, ये सब इस रस के साथ अगर मिलते हैं तो रस परिणत होता है, तब रस में बनता है, आस्वादनीय बनता है। तो इसको कहते हैं कि अलग अलग रस दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य और अपना अपने विभाव अनुभव से मिलित होकर के वो रस बुनते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि पूर्व पूर्व रसेर गुणा परे परे है दुई तीन गण ने पंचम पर्यंत बाढ़ोय। इसमें ये कहते हैं कि पूर्व पूर्व रसे, पूर्व पूर्व रस माने जैसे शांत दास्य साख्य वात्सल्य और मधुर, ये पांच रस की बात कहा गया। इस पांच रस के बीच में वात्सल्य जो है ये मधुरेर पूर्व, मधुर रस के पहले, मधुर रस का पूर्व है वात्सल्य और वात्सल्य के पूर्व है सख्य और तो इस प्रकार, और सख्यर पूर्व है दास्य और दास्यर पूर्व है शांत। तो इसलिए पूर्व पूर्व रसेर गुण इत्यादि, तो
मतलब संत के जो गुण वो दास्य में आएगा, दास्य के गुण सख्य में आएगा, सख्य का गुण वात्सल्य में आएगा, वात्सल्य के गुण मधुर रस में आएगा। इसको एक दुई इत्यादि इस बताते हैं, मतलब संत में एक गुण है, संत रस प्रथम है, एक गुण है कृष्ण निष्ठता। तो दास में संत और दास दोनों दो गुण आ जाएगा, और सख्य में सख्य का तो है ये प्लस संत का और दास का, मतलब तीन गुण हो जाएगा, और वात्सल्य में चार गुण होगा क्योंकि संत दास्य सख्य और अपना वात्सल्य अपना है, तो मिलकर के चार गुण हो जाएगा, और मधुर रति का पांच गुण होगा। ये सब गुण में पहले बताया था, संत में कृष्ण की एक निष्ठता, दास्य में सेवा भाव, और सख्य का निसंकोच सेवा, संकोच विहीनता, और वात्सल्य में कृष्ण को अपने से हीन भावना, उनको ताड़न भर्सन आदि पालन लालन पालन का भाव, और मधुर में तो सब कुछ देकर सर्वस्व निजांग दान करके उनको सुखी करना। ये जो सब गुण है ये सब एक दूसरे से आड़ होकर आते हैं। तो इस प्रकार जो पंचम रस है तांतरस, तो उसमें पांच गुण होता है, इसको बोलते हैं द्वि तीन गण ने पंचम पर्यंत बढ़ा है। गुणाधक्के स्वादधिक्य बाढ़े प्रीति रस संत दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरेते वसे। गुणाधक्य साधु अधिक्य बाढ़े प्रीति रसे संत दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरेते वसे। इस गुण के अधिक्य होने के कारण, जैसे मैं बताया कि एक गुण संत और दास्य, दास्य में संत गुण आता है, एक गुण अधिक है उसमें, फिर सख्य में एक गुण और अधिक है, वात्सल्य में और एक गुण अधिक है, मधुर में से एक गुण रेणु अधिक अधिक पांच गुण तक जाता है। तो इसलिए अधिक अधिक बढ़ने के कारण तो शांत दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरते बस। मधुर रस में ये सारे रस शांत से लेकर के मधुर सारे गुण मधुर रस में होता है। उसको उदाहरण देते हैं, आकाश आदि गुण जन पर भूते द्वि तीन क्रमे बाढ़े पंच पृथ्वीते। जिसे आकाश पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत है आप जानते हैं। तो इस पंच महाभूत में जो गुण है, आकाश का गुण है शब्द, शब्द है इतर, आकाश का गुण है। तो आकाश से फिर स्थूल होता है तो बनता है वायु, वायु में शब्द भी रहेगा और वायु का अपना गुण रहे स्पर्श। आकाश से प्रकट हुआ तो आकाश का गुण उसमें है और अपना गुण है स्पर्श, तो शब्द और स्पर्श वायु का गुण हुआ। तो वायु से अग्नि होगा, अग्नि में आकाश का वायु का गुण मतलब शब्द स्पर्श रहेगा और अग्नि का अपना गुण है रूप, तो शब्द स्पर्श रूप ये अग्नि का है। तो उससे भी और स्थूलतर आएगा, अग्नि के बाद जल आता है, तो जल में आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का अपना गुण रस वो रहेगा उसमें। और उसके जल के बाद पृथ्वी तत्व आता है, पृथ्वी में आकाश के शब्द, वायु के स्पर्श, अग्नि के रूप, जल के रस और पृथ्वी का अपना गुण है गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये पांच गुण पृथ्वी में जो पंच महाभूत में लास्ट जो पृथ्वी तत्व है उसमें पांच को पांच आ जाते हैं। इसी प्रकार ही ये पंच रस में एक रस दूसरे, यद्यपि प्रत्येक रस अपने आप में कंटेंट है, परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी तारतम्य है। इस प्रकार विचार करने से इसी बात कहते हैं कि श्रेष्ठता तो है। तो परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा है ते यही प्रेमर बस कृष्ण कहे भागवते। तो यहां बताते हैं कि यद्यपि सारे रस अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में परिपूर्ण है और किसी अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जब निरपेक्ष होकर विचार करते हैं तो मधुर रस, जो मधुर प्रेम है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसी को कहते हैं
परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेम है। कृष्ण प्राप्ति का परिपूर्णता इसी प्रेम में है, इसी प्रेम में है, यही प्रेम है बस कृष्ण कहे भागवत। भागवत में यही कहा गया है, निर्धारण कहा गया कि यही जो कांता प्रेम है इसी के द्वारा पूर्ण रूपेण कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। ये कृष्ण वशीकरण की यही साधन है। तो भागवते मई भक्तिर ही भूतानाम अमृत्वाय अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या जदा सीमस्नेहो भवती नाम मदापनः। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले अछे जय जे छे भजे कृष्ण तारे भजे ते छे। तो यहां कहते हैं कि यही प्रेमा यही प्रेमा बसे कृष्ण कहे भागवते, और इसमें परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति होता है। तो यही प्रेम मतलब कौन सा प्रेम? न कांता प्रेम, श्री कृष्ण के परिपूर्ण सेवा प्राप्ति, दास्य प्रेम में स्वस्व गुणानुरूप सेवा प्राप्त होने पर भी, किंतु कांता प्रेम में दास्यादि सब प्रेम का गुण और उनका गुण अधिक है। यही प्रेम द्वारा, इसी प्रेम के द्वारा परिपूर्ण रूप में सेवा प्राप्त हो करके, तो इसलिए कांता प्रेम द्वारा परिपूर्ण कृष्ण सेवा हो सकता है, इसको कहते हैं। कैसे? ना कांता प्रेम में तो सेवा तो होता है, कांतागण सेवा करते हैं, वो सेवा में दास गुण आ गया, दास जैसे सेवा करते हैं ऐसे ही हर प्रकार के उनके आदेश, दास का आज्ञा पालन होता है, आज्ञा पालन आदि वो कांतागण में आज्ञा पालन आदि करते हैं, भगवत इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन आदि कांतागण करते हैं दासगण से। और वही शांत की तरह एक अनिष्टता भी है, उनके प्रति बिल्कुल परम एक अनिष्ट भाव है, और उनका आज्ञा पालन आदि भी करते हैं दास के प्रकार। उसके साथ साथ सकल प्रकार की प्रेम सेवा, शांतर गुण, कृष्ण निष्ठा, और कृष्ण बिना कृष्ण त्याग, कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए ये वासना, जो कांत प्रेमवती हैं ब्रज सुंदरी, तो ये तो लिमिट क्रॉस कर दिए। ये तो कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। और त्याग क्या करें, कृष्ण लोग कुछ चाहते ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण के लिए उनका देह गेह आत्मीय स्वजन समस्त सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो दास्य जैसा सर्वविध सेवा भी होता है, सखा जैसा श्री कृष्ण के संबंध में किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता, गौरव वृद्धि नहीं रहता। तो इसी प्रणय अतिशय के कारण वो लोग भी, कांतागण भी श्री कृष्ण के साथ अपना अभिन्न, अपने को अलग नहीं समझते हैं, ऐसा मान करके उनका सेवा करते हैं, कोई संकोच नहीं रखते। वात्सल्य रस की जैसा मंगल कामना, वात्सल्य रस का विशेषता है माता पिता जो हैं ये उनको जो भी लालन पालन जो भी करते हैं उसके मंगल कामना के लिए, तो कांतागण भी हमेशा स्नेह भाव से तृप्ति के साथ उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनके लिए पेय पदार्थ बनाते हैं, उनके मंगल के लिए, उनके किसी सुख प्राप्ति होगा। तो ब्रज सुंदरी कृष्ण संबंध में वही करते हैं, अधिकंतु निज अंग द्वारा कांता रूप में सेवा भी उनके है। इसलिए दास का सेवा, सखा के सेवा, माता पिता की सेवा और कांता की जैसा सेवा, ये सब सेवा कांता प्रेम है। इसलिए सभ्य के प्रीति उत्पादन के लिए, प्रीति उत्पादन के कारण जितने रकम के सेवा संभव हो सकता है, दास से आदि चार रस के अंतर्भुक्त जितने प्रकार की सेवा
सब मधुर रस में मधुर प्रेम के सेवा के अंतर्भुक्त है। इसलिए कांता परम सेवा से ही श्री कृष्ण के परिपूर्ण सेवा होता है यह कहा गया। सर्वविधि सेवा प्रापक, सर्व प्रकार के सर्वविध सेवा प्राप्ति कराने के हिसाब से कांता प्रेम सर्वश्रेष्ठ ही इसमें बताया गया। कांता प्रेम से ही परिपूर्ण कृष्ण सेवा हो सकता है एवं श्री कृष्ण यही कांता प्रेम में ही सम्यक रूप में वशीभूत इसका ही प्रमाण है इस श्लोक द्वारा। उसके बाद में कहते हैं कि कृष्ण र प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले अच्छे जय जय भजे कृष्ण तारे तेछे भजे। इसे गीता में बता जय थमांग प्रपद्यंते स्थांग तथे भजा में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। यही प्रेमार अनुरूप नापार भजीते अतएव ऋणी है कहे भागवत। तो इसको बताते हैं कि कृष्ण जो है ब्रज प्रेम का एकांत वशीभूत है, वो कोई भी स्थान में रहना रहन कृष्ण कहां भी रहना कोई भी स्थान में रहें लेकिन ब्रज गोपियों के प्रेम उनको आकर्षण के खींच कर ला सकता है। किसी भी स्थान में कृष्ण रहने पर भी ये ब्रज गोपिकाओं का प्रेम इतने समर्थ है तो उनको खींच करके ला सकता है। ऐसे शक्ति और कोई रस में दास्य सख्य वात्सल्य आदि में नहीं हो सकता जिसे अंदर। तो इसमें कहते हैं यही प्रेमार मतलब कांता प्रेम की जो कांता प्रेम का जो विशेषता है क्या ना, इसी प्रेम में स्वसुख वासना सिद्धि का स्वसुख वासना के लिए कृष्ण भजन वो नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं बाकी जितने सेवक हैं कृष्ण के जितने भक्तगण सेवक सब जिजथमांग प्रपद्यन्ते कृष्ण प्रतिज्ञा है जे जे छे भजे कृष्ण तारे तेछे भजे जे जथमांग प्रपद्यन्ते, मतलब जो जैसा चाहता है कृष्ण उसको ऐसा देते हैं। मैं कृष्ण का भजन करता हूँ, मेरा के पत्नी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे कोई जो जिस प्रकार चाहते हैं इस तरह से कृष्ण उसको पूरा करते हैं। ये आज इट इज कृष्ण का प्रतिज्ञा है। कृष्ण गीता में कहें सब जगह में कहते हैं मुझे मेरा पास अकाम सर्व काम व मुख्य काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योग नहीं जनते पुरुषम परम। तो किसी प्रकार कामना सर्व काम रखो कृष्ण की अगर भक्ति के द्वारा तीव्र भक्ति भजन करते कृष्ण उनका इसे ठीक पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ इसे बोलते यही प्रमार अनुरूप नापारे भजिते अतएव ऋणी होकर बोलते यहाँ क्यों ऐसा बोलते यद्यपि कृष्ण का जनरल रूल है वो प्रतिज्ञा है उनके संकल्प है उनको जो जैसा जिस प्रकार भजन करेगा उनका ये परिपूर्ण प्रतिदान इस प्रकार करेंगे। लेकिन यहाँ ये फेल मार जाते हैं कांता प्रेम के पास। बोले क्यों? क्योंकि नेचुरली देखा जाता है जो बाकी लोग सेवक हैं यद्यपि उनके कृष्ण प्रीति के लिए सेवा करते हैं जैसे दास्य गण है, साख्य गण है, वात्सल्य गण है, तो उनका ये रहता है कि वो कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, कृष्ण को सुखी करना चाहते तो हैं, उनका अंदर में कोई सुसुख वासना गंधन लेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक संबंध जात अपेक्षा रहता है। क्या कि दासगण चाहते हैं कि प्रभु कम से कम मेरे ऊपर कभी कृपा दृष्टि कर दें, थोड़ा मुझे देखकर थोड़ा हंस दें, थोड़ा उनका अनुग्रह प्राप्ति हो जाए मुझे, ओ प्रभु मेरे और देखे अनुग्रह की अनुग्रह दृष्टि पड़ा और कृत कृत हो जाए, ये आशा करते हैं। यद्यपि अपने लिए कृष्ण के लिए ही अपने सब कुछ छोड़कर लेकिन फिर भी उनसे अनुग्रह दृष्टि एक चाहते हैं दासगण। सखागण जैसे कृष्ण के लिए कोई संकोच ना करके उनके लिए ये कर ऐसे बढ़ उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ कोई भी अच्छा वस्तु उनको देते हैं, उनके सेवा किस प्रकार करते हैं, वो भी आशा करते हैं हम उनके सखा हैं मित्र हैं तो हमारे साथ भी ऐसा
परिपूरक व्यवहार करें, ये आशा रखते ना, नहीं करते थे हमारे साथ, ये क्या हो गया है ना। कोई मित्र है, आप उन कुछ बात करें, वो नहीं कहेगा तो फिर संबंध कट जाएगा, सखा कैसे होगा, है ना। नहीं, लेन देन बंधुत्व तो तभी होता ना, मैं दिया तुम ही दोगे, तो आशा रहता है। सख्य रस में वो भी आशा रहता है कि सखा के अनुरूप प्रतिदान में सखा के अनुरूप व्यवहार भी कृष्ण उनके साथ करे। यद्यपि वो कृष्ण के सखा बन के कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में कहीं अंतस्थल में छिपा रहता है कि मेरे, वो भी अपेक्षा करते हैं मेरे भी सखा जैसा व्यवहार मेरे से करे, ये आशा रहता है ना। नहीं, ठीक इसी प्रकार माँ बाप जो हैं वो भी कभी कभी चाहते हैं कि मैया मम्मी पापा थोड़ा उनको बोले ना, उसमें भी उनका प्रसन्नता होगा, है ना। नहीं, कितने उनको लालक बने पालक बने कुछ बने, अगर कृष्ण कभी मम्मी को पापा को कभी मम्मी पापा बोले नहीं, कभी थोड़ा उनके पास क्या करते हैं उसको जैसे लाड़ प्यार के लिए उनके लिए रोना धोना ऐसा नहीं करे, तो उनको अच्छा नहीं, बोले कैसा मामा लड़का कैसा यार, कब पूछता नहीं हूँ। तो भी आशा करते हैं कि एक अबोध शिशु की तरह हमारा पर निर्भरशील हो, हमको पुकारे कभी रोए हमारे लिए, हमारे से करें उस कर, वो आशा रहता है, वो आशा भी रहता है और इसमें सब में रहता है। लेकिन कांता गण का आशा ही रहता है, क्या आशा रहता है, आशा रहता है कृष्ण सुखी हो जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको देखे हमको प्रशंसा करे हमको गलवाही दे, बोले असली सेवा पादरतांग पिनष्टुमाम अदर्शनाम करो तुवाम जथा तथा वावी दधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर। कुछ भी करे उनका कोई आशा नहीं, इसीलिए उनका कोई भी आशा नहीं, अंदर नो कामना नो वासना कोई कुछ नहीं चाहते हैं, केवल एक ही चीज चाहते हैं। अगर कृष्ण जे जथमापद, अरे जो जो आपको कुछ प्रपद्य मान जो कुछ चाहता है तो वही देगा ना, वो तो कुछ चाहते ही नहीं, लेकिन हाँ कुछ चाहे, क्या चाहे जो पूरा करोगे, वो चाहते हैं आपके सुख की कामना, तो आपके लिए है, उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कृष्ण चाह कर भी गोपियों को कुछ दे नहीं सकते, देना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर कुछ अपना के लिए कुछ नहीं चाहते, और जो चाहते हैं कृष्ण के रूप अच्छा हो, कृष्ण के सुख ज्यादा हो, कृष्ण के वेशभूषा कृष्ण के, बस उन्हीं से ही उनका खुश, उनके और कुछ नहीं चाहिए, उनके जो सुखी होने का आशय, हम अलग से कुछ नहीं चाहेंगे, आप ही प्राप्त करो हम सुखी। तो इसलिए वो कृष्ण गोपियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी कोई हो बन ही नहीं सकता, क्योंकि गोपियों में ऐसा कुछ कामना है ही नहीं, सुख वासना कुछ है ही नहीं, केवल एक ही वासना है कि कृष्ण प्रीति, और कृष्ण उसको पूरा करेंगे तो अपने लिए है, गोपी के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए वहां उनका जो संकल्प फेल मार जाता है, मैं उनको जे जथा मैं प्रपद्यंते जो जैसा चाहते हैं मैं उनको भी ऐसा देता हूँ, ये तो कुछ चाहते ही नहीं, मैं इसको कैसे पूरा करूं, तो यहाँ फेल मार जाता है। इसी को कहते हैं यही प्रेमार अनुरूप नापारे भजिते, यही एक कांता प्रेम है, एक विशेष गुण उसमें है, इसी के अनुरूप भजन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अतएव ऋणी है कहे भागवत। इसलिए भागवत में कहता है भैया मैं आपके पास ऋणी बन कर रहा, ऋणी बन कर हमें आप सर कर नहीं सकता। तो वही अभिप्राय है कि गोपी के भजन के अनुरूप वो नहीं कर सकते, क्योंकि गोपियों का यही एक ही वासना जब पूर्ण करते हैं, क्या वासना है कि कृष्ण की सुख कृष्ण की प्रीति, तो निजी अपना खुद कोई लाभ होता है, परंतु गोपियों के कुछ तो देना नहीं हुआ, कुछ दे नहीं सके। दूसरी बात, जो गोपीगण है वो प्रत्येक ही सब कुछ त्याग करके सुनिश्चित, जिसको त्याग करना अत्यंत कठिन है, सुदृढ़ गृह श्रृंखला कुल वधु होकर के अपने पति अपने घर अपने जो वेद धर्म लोक धर्म लज्जा आदि सब कुछ छोड़ करके, जो छोड़ना अत्यंत कठिन है, सब कुछ समस्त गोपीगण प्रत्येक ही प्रत्येक गोपीगण सब कुछ सर्वस्व त्याग करके अनन्य भाव से
कोई और अन्य भावना नहीं है, केवल अनन्य भाव से एकमात्र कृष्ण की सेवा के लिए आत्मनियोग करते हैं। तो कृष्ण तो एक गोपी के लिए भी सब कुछ त्याग नहीं कर सकते, और सभी गोपी के लिए क्या, एक गोपी के लिए सब कुछ, क्योंकि कृष्ण के पास अनंत लोक हैं, अनंत भक्त हैं, सब में व्याप्त हैं, तो सब कुछ छोड़ा नहीं संभव हो नहीं सकता। वो जगताधार है, सर्वाधार है, वो सब कुछ छोड़ दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम, संभव ही नहीं। लेकिन गोपीगण सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण में लगाते हैं, और कृष्ण सब कुछ छोड़ ही नहीं सकते, एक गोपी के लिए भी सब छोड़ने से तो सभी गोपी के लिए तो बात ही क्या है, सब कुछ त्याग करने के लिए संभव ही नहीं है। तो दूसरे गोपी के बाद क्या कहते हैं, तो इसलिए कृष्णा अनन्य भाव में किसी एक गोपी के सेवा के आत्मनियोग जो करते हैं उसके प्रतिदान नहीं कर सकते, इसलिए गोपीगणों के अनुरूप भजन न कर सकने के कारण यही उन्होंने भगवान के सामने बोले, न पारे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यांग विबुधाय सापिवः यामा भजन दुर्जेर गृह श्रृंखला समृश्य तद्वह प्रतिजातु साधुना। तो ये दसम स्कंद में ये कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ये प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान का फेल होने का श्लोक, हार मानने का श्लोक। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, जो जो लगा सकते मिश्रण सब लगा दो, सब कुछ है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं अपना श्रीमुख में ये बोलते हैं, न पा रहे हम, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख कोमल से बोले गोपियों के सामने, हाथ उठा दिए, सरेंडर किए, सरेंडर करके बोलते हैं, हे मेरे प्यारी गोपियें, मेरे साथ तुम्हारा जो निर्मल सर्वथा निर्दोष एवं निर्मल निज सुख की कामना के लेश से भी रहित विशुद्ध प्रेम है, तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा के उल्लंघन करके मेरा जो भजन किया है, मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इसी प्रेम और त्याग और सेवा के बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तुम अपने सौम्य सेवा भाव से ही मुझे अरुण कर सकती हो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारे पास सदा ऋणी ही रहूंगा। उनके अलग अलग आचार्य ने अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर वक्तव्य दिए हैं। सिद्धर स्वामीपाद कहते हैं, हे गोपियां, इस बात को ही रहने दो, बोलते अब कहां मैं कहें, इस बात को भी रहने दो, अब परमार्थ की अर्थात यथाजथ बात सुनो। क्या न इसी अभिप्राय से श्री कृष्ण बोलते हैं, ना सबसे पहले ना पा रहे, ना श्लोक कह रहे हैं कि मेरे साथ तुम लोग का जो संयोग है वह सर्वथा निर्मल निर्दोष है, इसलिए देवताओं की जैसे लंबी आयु पा करके, चिरकाल की आयु पा कर भी तुम लोग के स्वसाधु कृत्य के प्रतिकार करने में असमर्थ नहीं हूं। इस प्रकार के स्वसाधु कृत्य तुम लोग जो बड़ी कठिन और न टूटने वाले गृह श्रृंखला तोड़ करके मेरा जो भजन किए हैं, इस प्रकार से कभी भी तुम लोग का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन अनेकानेक भक्त में प्रेम युक्त है, तुम लोग में जैसा एक अनिष्ठ नहीं है। आप तो केवल कृष्ण एक अनिष्ठ है, लेकिन मेरा तो अनंत भक्त है, मैं एक अनिष्ठ कर नहीं सकता हूं। नहीं, इसलिए तुम लोग के स्वसाधक कृत्य द्वारा तुम लोग का प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ऋणी रहूंगा, अऋणी नहीं हो सकता, किंतु आपने द्वारा किए गए प्रतिपकार के कारण नहीं, आप आपने ओर से मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, ऋण माफ कर दो, चलो छोड़ देते हैं तो चलेगा आपने, लेकिन मैं आपने तरीके से चुका नहीं सकता हूं,
ये कृष्ण कहते हैं। आप वैष्णव तुष्णिकार कहते हैं ये तो बहुत बड़ा बड़ा है, चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छा लिखते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं हे मेरे प्रियाओं, मेरे मन में सदैव जो बात उदित होती है उसे सुनो। इसी अभिप्राय से ही श्री कृष्ण न पा रहे हम इत्यादि श्लोक की अवतारणा कर रहे हैं। मेरे साथ तुम लोग का जो यह संयोग या मिलन है वह निरवध्य है। निरवध्य मतलब काम कर्म लोक धर्म और शास्त्र अपेक्षा से रहित होने के कारण निरुपाधिक है, अर्थात निर्मल है, निर्दोष है। तुम लोगों का प्राकृतगत भाव ही साधु है। आप लोग सचमुच साधु हैं, अर्थात तुम्हारा वह स्वभाव ही है, साधु जो स्वभाव ही है। तुम में यह साधु भाव किसी दूसरे साधु वस्तु के संपर्क के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, ये आपने सहज गुण है अपने अंदर। कोई साधु संग करके साधुता आपके अंदर आया ऐसा नहीं है। इसलिए मैं अगर देवताओं जैसी परमायु प्राप्त करने पर भी तुम्हारे इस साधु कृत्य का समुचित प्रतिदान अर्थात ऋण शोधन करने में समर्थ नहीं होऊंगा। यहाँ कृत्यम एक वचन प्रयोग कर होने के कारण अर्थ यह होगा कि मैं तुम्हारे एक क्षणिक कृत्य का भी प्रतिकार करने में असमर्थ हूँ। इसका कारण है कि तुम लोगों ने अत्यंत दृढ़ गृहस्थ की गृह श्रृंखलाओं को भी अर्थात पति ससुर पिता भाई आदि के स्नेह बंधन रूप दृढ़ श्रृंखलाओं तक को भी भली भांति छिन्न भिन्न कर मेरा भजन किया है। दूसरे अर्थ में अपक्व जोगियों की भांति अर्थात सभी बंधनों को संपूर्ण रूप से छेदन करके भी पुनः इसी गृह श्रृंखला में आबद्ध होकर मेरा भजन नहीं किया, किंतु मैंने माता पिता भाई बंधु बांधव सभी के प्रति स्नेह संबंध रखते हुए ही तुम्हारा भजन किया है। आप सब त्याग में सबके साथ मिलकर के इसलिए जे जथामांग प्रपद्यन्ते स्तां तथैव भजामि अहम्, अर्थात जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसी रूप से उनका भजता हूँ। तुम्हारे समक्ष मैं अपनी इस प्रतिज्ञा से विच्युत हुआ हूँ, इसलिए मेरे द्वारा इसकी प्रतिक्रिया असंभव है, अर्थात मेरे द्वारा अन्य प्रकार से प्रतिकार होने की संभावना नहीं है। श्लेष के द्वारा भी बतलाया गया है, यही अर्थ निकल रहा है कि अर्थात जोगी जिस प्रकार सभी श्रृंखलाओं को छेद करके मेरा भजन करता है, तुम लोगों ने भी मेरे लिए सब कुछ परित्याग करके मेरा भजन किया है। अतएव तुम्हारी साधुता के द्वारा ही तुम लोगों का साधु कृत्य परिशोधित हो। भावार्थ यह है कि तुम लोगों की सुशीलता गुण के द्वारा ही मैं अरुणी हो सकता हूँ। आप इतने सुशील इतने जेंटिल हो कि छोड़ देंगे मुझे, अरुणी कर देंगे, किंतु वास्तव में मैं तुम लोग के निकट ऋणी ही रहूंगा, यही भाव है। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर ब्रज देवियां अपने अपने मन में विचार करने लगी, परमेश्वर होने के कारण श्री कृष्ण समस्त गुणों से परिपूर्ण होकर भी दोष के गंध मात्र से भी रहित हैं, तथापि हमारे प्रेम रस के विज्ञ होने पर भी हम लोग के प्रेमवती होने का महान उत्कर्ष और अपने प्रेम का उत्कर्ष सूचित कर रहे हैं, तथा इस कारण हमारे निकट ऋणी होने के लिए हमारी सेवा में ही तत्पर श्री कृष्ण का ऐसा त्याग है। अतएव अपनी पराजय स्थापन के इच्छुक श्री कृष्ण को पराजित कर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली हम लोग अधन्य है। श्री कृष्ण जिस प्रकार से हमारे प्रेम का उत्कर्ष स्थापन करने के इच्छुक है, हम लोग ऐसे ही हो सकती है, अर्थात हम उस प्रकार से उनके प्रेम के उत्कर्ष को स्थापित करने में असमर्थ है। फलस्वरूप श्री कृष्ण के प्रेम के निकट वस्तुतः तो हम पराजित ही हुई है। एक दूसरे से कंपटीशन, जो कृष्ण कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं करने के लिए, तो गोपियां मन में विचार करते, अच्छा आप ये लेवल को चले गए तो हम तो ये लेवल को गए नहीं, अभी हम फेल हो गए आपके सामने, अब तो कितने भाव की प्रचार की सब। इस प्रकार ये बात को इधर कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण की प्रतिज्ञा है, फिर भी
कृष्ण यहाँ फेल मार जाते हैं। तो आगे कहते हैं, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य माधुर्य धुर्य ब्रज देवी र संगेतार बढ़े माधुर्य। यद्यपि गोपी प्रेम के अनुरूप भजन करते न सकने के कारण श्री कृष्ण उनके निकट ऋणी हो रहे हैं, इसका ये प्रमाण श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा कांता प्रेम का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित हो रहा है, कारण दास्यादि अन्य कोई भी भाव का प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण इस प्रकार ऋणी श्री कृष्ण को इस प्रकार ऋणी कोई नहीं कर सकता। ये केवल ये श्री कृष्ण वशीकरण शक्ति कांता प्रेम में सर्वाधिक रूप में वर्तमान है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ही प्रमाण है। अब यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य, इसको कहते हैं माधुर्य क्या है, कोई अनिर्वचनीय रूप अपूर्व मधुरता जो है उसको माधुर्य कहेंगे। धुर्य मतलब पराकाष्ठा या श्रेष्ठता। श्री कृष्ण का सौंदर्य और माधुर्य का पराकाष्ठा शेष सीमा, श्री कृष्ण का जो सुंदर और माधुर्य वो लिमिट तक पहुंचा, शेष सीमा तक पराकाष्ठ तक पहुंचा है। यही सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण सुतरंग और वृद्धि नहीं हो सकता। अरे जैसे समझो ये एक नापना चाहता है, हाँ थोड़ा और कहाँ तक जाएंगे, एक गेट दीवार तक जाएंगे, दीवार के बाद और आगे जा ही नहीं सकते, तो इतना ही लंबा कर सकते है ना। नहीं आपका बेड को या कोई बेडशीट या कुछ फैला, कितने फैला सकते हैं, जहां लिमिट है लास्ट, उसके बाद और है ही नहीं, यहाँ तक ही फैला सकते हैं बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कहते हैं पराकाष्ठा मतलब माधुर्य, मतलब पराकाष्ठा धुर्य मतलब कृष्ण के जो सौंदर्य और माधुरी है, सुंदरता माधुरता मधुरता, वो सौंदर्य माधुर्य का धुर्य है, मतलब पूरे संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने सुंदरता हो सकता है लास्ट लिमिट तक, और जितने मधुरता हो सकता है वही कृष्ण में है, इसलिए बोलते धुर्य। कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य मतलब लास्ट लिमिट तक है, उसके बाद में और कोई जो सुंदर देखने वाले मधुरत्व समझने वाले अनुभव करने वाले वो उसके परे कुछ हो ही नहीं सकता ना, दी लिमिट। इसी बोलते यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य, कृष्ण के सुंदरता और मधुरता ये दिस इज द लिमिट, लास्ट लिमिट पराकाष्ठा है, से सीमा है। यही मतलब ये सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण और बढ़ नहीं सकता, बढ़ने का संभव ही नहीं है। लेकिन इस कांता प्रेम में ऐसा एक अचिंत्य अद्भुत शक्ति है, ये ब्रज गोपी देर गोपियों की साक्षात में श्री कृष्ण का ये परिपूर्ण सौंदर्य माधुर्य उत्तरोत्तर बुद्धि प्राप्त हो सकता है, होता ही है। इसलिए ये समझना ये समझा जा सकता है कांता प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, ये कांता प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इसको बताते हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण के सुंदरता और मधुरता तो लिमिट, ऐसा तो कोई असमर्थ सौंदर्य उनके समानता कोई हो नहीं सकता, उनका अधिक की बात असमर्थ है सुंदरता मधुरता। लेकिन फिर भी अगर उनके सामने राधा जी या ऐसे कोई गोपी सच कर आ जाते हैं, खत्म, बढ़ने का लास्ट नहीं, दीवार है वहां, बढ़ नहीं सकता, लेकिन बढ़ता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होता है, बढ़ता है। अरे कैसे ना, वो समझ में नहीं आ सकता, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड कंसेप्शन, तो कैसे बढ़ता। पढ़ने का संभावना ही नहीं, लास्ट लिमिट उसके उनके उस स्पेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ता, यही है कांता प्रेम का विशेषता। कांता प्रेम में
श्री कृष्ण का कुछ विशिष्ट अचिंत्य, उनका माधुरी का, उनके सौंदर्य का अचिंत्य वृद्धि जो संभव ही नहीं हो सकता वो भी होता है, असंभव संभव होता है। इसलिए कांता प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट सर्व उत्कर्ष इसी को बताते हैं। और उसके लिए एक श्लोक भागवत के बताते हैं, अत्राति सुशुभे आविर्भगवान देवकी सुता मध्ये मणिनांग हेमानांग महामरकतो यथा। एक भगवान के सौंदर्य के श्लोक रास लीला के बात है, रास पंचाध्याय के अंतिम 33वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान ने जब रास नृत्य कर रहे थे तब आपने को ऐसे प्रकाश किए थे कि प्रत्येक गोपी के बीच बीच में, मध्य मध्य में दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। बोलते हैं दो दो गोपियां बीच में कन्हैया, ऐसे कहना, तो ऐसे मध्य मध्य में बीच भगवान ने आपने को प्रकट किए थे। तो गोपियों के रूप कैसा है? सोना जैसा गौर तप्त कांचन गौर, राधारानी जैसे सभी हैं उनके, तप्त कांचन गौर वर्ण तपे हुए सोना के समान, पिघले हुए सोना के समान, बिल्कुल चकचक गौर कांति, पीला किला कलर, पिघले हुए सोना जैसा उनके कलर। और भगवान के कलर कैसा है? महामरकत मतलब इंद्रनील, बिल्कुल नीला निशा, इंद्रनील नील जीमूत सन्निभ, इंद्रनील जैसा बड़े चमचमाते हैं सोने के बीच में, ब्लूइस डैजलिंग ब्लूइस कलर का कुछ मणि रख दो, उनका सुंदरता कितना बढ़ जाएगा। ऐसा ही है, बोलते हैं कि एक कृष्णा और हजारों हजार गोपी, दो दो बिल्कुल पिघले हुए सोने की वर्ण वाली गोपियों के बीच में एक मरकत मणि, इंद्रनली इंद्रनील महामरकत मणि के सदृश कृष्ण, श्यामल कृष्ण श्याम, और उनके भी आलिंगित बहुवेष्टित आपने श्याम भुजदंड द्वारा उनके गले में जो हाथ डालकर के बीच में खड़े रहते हैं, तो बिल्कुल जैसे लकेट एक सोना के मणि हार के, सोना के नेकल गोल्ड के गोल्ड नेकल नेकलेस के बीच में और इंद्र नील का एक लकेट लगा हुआ है, ऐसे सुंदरता लगता है। तो ऐसे ही कभी कभी यहाँ देखा जाएगा कि कृष्ण आपने को प्रकाश के हैं, कभी कभी एक वचन बहुवचन भी आता है एक श्लोक में, एक वचन वगैरह, क्योंकि पूरे रास मंडली में केवल श्री राशेश्वरी के साथ श्री कृष्ण ने ऐसे सुहायमान है, राधा के सामने राधारानी के सामने परम सुहायमान, मतलब मरकत इंद्र नील के समान तप्त कांचन गौर वर्णा श्री राधिका के गलवाही दे करके भगवान जो खड़े हैं, तो बिल्कुल लकेट जैसा, इंद्र नील के लकेट जैसा दिखते हैं। और ये बोलते हैं तो एक ऐसे दिखाई पड़ते हैं, यही एक ही तो कृष्ण है, गोपियां तो अनेक है कृष्ण, लेकिन सारे हार जैसा है, अनेक मंडलाकार गोल हार जैसा, उसके अंदर कृष्ण भी एक दिखाई पड़ते हैं, अनेक भी दिखाई पड़ते हैं, ये अचिंत्य है इसको समझो। लेकिन सुंदरता के दृष्टि से ऐसे सुंदरता है, ऐसे परम स्वभावमान है, इनके द्वारा कृष्ण की स्वभाव वृद्धि होता है, गोपियों की स्वभाव वृद्धि होता है। गोपियों का क्योंकि सोना के बीच में ब्लू नेकलेस, ब्लू जो इंद्रनील आने से इंद्रनील का बड़ा सुंदर दिखता है, अरे इंद्रनील का सुंदरता भी होता है जो गोल्ड के बीच में है ना, तो दोनों दोनों का सुंदरता बढ़ता है, जिसे उनके स्वभाव बढ़ता है तो उनका ही स्वभाव बढ़ता है, उनका स्वभाव बढ़ता है तो उनका स्वभाव बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव, ऐसे कॉम्पिटिटिव जितने अनेक अनेक गोपियों के बीच अनेक अनेक ब्लूइस कृष्ण इंद्र नील के समान प्रकट होते हैं, तो परम असमर्थ सौंदर्य को प्रकाश करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो मैं बोला ना, यद्यपि सौंदर्य का एक लिमिट होता है और बढ़ने का, उसके आगे जा नहीं सकता, सोचा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं, फिर भी बढ़ते हैं। ये एक रसलीला के श्लोक प्रमाण, वो कैसे सुंदर कोई समझा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की ये हम तो उसको क्या समझे, हमारे पास और है क्या, कल्पना मात्र कर सकते हैं, मन का एक भाव है इमेजिनेशन, कल्पना, तो इमेजिन करो, व्हाट इमेजिन, कि लिमिटलेस है लेकिन फिर भी बढ़ता है। तो इसलिए अब क्या करे, इसे मान करके बैठ, लिमिट भी नहीं जा सकता,
अवांग मानस गोचर वाणी से भी बोला नहीं जा सकता, मन में सोचा नहीं जा सकता, और बाकी क्या समझा जा सकता है, मन में समझा नहीं। इसी स्थिति ये सब जो वर्णन है लेकिन फिर भी है इसको बताते हैं इसके। तो ही मन में भाव कर सके कि भगवान की जो सुंदरता गोपियों के साथ में, उनके शोभा और सुंदरता इतने मतलब बढ़ने के स्थान नहीं है, कोई और सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी वृद्धि होता है, और उनकी वृद्धि देखकर गोपियों की शोभा वृद्धि होता है और फिर उनका भी बढ़ता है। तो इसी प्रकार के जो परिपूर्णता सुंदरता के भाव, ये केवल कांता रस में संभव है और कहीं नहीं है, इसलिए कांता प्रेम का श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। बाकी काल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण सुनिताय गौर हरि, गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की। ओके हरे कृष्णा, सब सो गए लगता है, कोई देखा नहीं। गौरांग थैंक यू महाराज, आर यू स्लीपिंग? हरे कृष्णा, सो गया क्या? हरे कृष्णा, जगह है ना, सोया है? हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद तुम, मैंने जागे जागा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद।